न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। चीनी कंपनी शाओमी पर भारत में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शाओमी इंडिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। शाओमी ने ऐसा क्या किया है कि उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो गया, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। रेडमी और एमआई जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड बनाने वाली चीन की कंपनी शाओमी की करीब 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी कि फेमा के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। कंपनी की ये रकम कई अलग अलग बैंकों में जमा थी। कंपनी पर फेमा के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। शाओमी इंडिया ने 2014 में भारत में काम करना शुरू किया। ये चीन की प्रमुख मोबाइल कंपनी शाओमी के पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है। शाओमी इंडिया ने 2015 से अपनी पैरेंट कंपनी को पैसे भेजना शुरू किया। जांच में सामने आया कि कंपनी विदेशी कंपनियों को कुल 5,551.27 करोड़ रुपए भेज चुकी है। ईडी का कहना है कि शाओमी इंडिया ने इतनी बड़ी राशि रॉयल्टी चुकाने की आड़ में भेजी। इसमें एक विदेशी कंपनी शाओमी समूह की है, जबकि बाकी दो कंपनियां अमेरिका की हैं। लेकिन इनका भी आखिरी लाभ शाओमी की कंपनियों को ही मिला। समूह की भारतीय इकाई ने चीनी पैरेंट कंपनी कहने पर ये राशि इन कंपनियों को ट्रांसफर की। ईडी ने अपने बयान में कहा कि शाओमी इंडिया भारत में ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से पूरी तरह बने हुए हैंडसेट की खरीद करती है। उसने विदेश में काम करने वाली इन तीनों कंपनियों की कोई सर्विस ली ही नहीं, जिसके नाम पर उसने उन्हें रुपए ट्रांसफर किए। कंपनी ने कई फर्जी दस्तावेज बनाकर रॉयल्टी के नाम पर ये राशि भेजी, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। फेमा की धारा 4 विदेशी मुद्रा की होल्डिंग से जुड़ी है। ईडी का कहना है कि इसके अलावा कंपनी ने विदेश में राशि भेजने के दौरान बैंकों को कई भ्रामक जानकारियां दी। इससे पहले ईडी ने इस महीने की शुरुआत में शाओमी के पूर्व इंडिया हेड मनु कुमार जैन को समन भेजा था और उनसे पूछताछ की थी। ईडी कंपनी के भारत में कामकाज करने के तरीके को लेकर फरवरी से जांच कर रहा है। फरवरी में जांच एजेंसी ने कंपनी को नोटिस भेजकर कई दस्तावेजों की मांग की थी। अभी कहा जा रहा है कि पूरी जांच के बाद शाओमी इंडिया के खिलाफ आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।